सरकार के लिए हम एक संख्या है, बस एक नंबर है हम सभी, लेकिन अपने परिवार के लिए ना हम सभी बहुत अनमोल है, जान है, आप समझ सकते हो, अपने परिवार के लिए हर एक सदस्य। तो घर से उतना ही बाहर निकलिए अगर बहुत जरूरी है तब, क्योंकि आज के डेट में जो कोरोना वायरस है इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है ना, जब केस कम था तो हम लोग कितना डराया गया, अभी केस कितना ज्यादा है पर डे, तो अभी माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कुछ है ही नहीं। तो समझदार रहिएगा, सरकार के लिए बस हम एक संख्या है लेकिन परिवार के लिए बहुत अनमोल है। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर एग्जाम दे सकते हैं, रेलवे SSC बैंक किसी भी एग्जाम का, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और अगर 349 वाला पैकेज वहां से बाई करेंगे तो एक साल के वैलिडिटी तक, आने वाले एक साल तक हर एक एग्जाम का 20 से 25 सेट दिया जाएगा ताकि एग्जाम से पहले अपने आप को आप सभी जज कर पाओ। और आज कवर करेंगे 12 जो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि ड्राई फास्टिंग आहार के लाभ को बढ़ावा देने के लिए नई पुस्तक जारी की गई है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम आपको दिया गया है द ट्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। ठीक है, यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है यह आप सभी को बताना है। द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव, ये किताब जो है आप देख भी पा रहे होंगे, जो कवर बुक है, जो स्टार्टिंग पेज है ना किताब का, और उसके जस्ट नीचे राइटर का नाम दिया गया है, किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ल्यूक कॉन्टियो, ये इनके द्वारा किताब जो है वो लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में, यानी आंध्र प्रदेश के राज्य में टोटल 262.49 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी, किसके लिए? तो 262 लाख ऑटो ड्राइवर है या फिर जो कैब ड्राइवर है उनके लिए, क्योंकि उनको भी तो अपना घर चलाना है इस लॉकडाउन के बीच में, पैसा नहीं आ रहा किसी के पास। तो 262.49 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। आपको यह बताना है यहां पर सबको कितने रुपए दिए जाएंगे, तो सभी को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, जगन मोहन रेड्डी, सभी को पता है। राज्यपाल कौन है? तो बिश्वभूषण हरिचंदन, और राजधानी अमरावती। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने दुरुस्त और ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों को वेतन की जानकारी देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? देखो, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जितने भी स्टाफ है, या मान लो प्राइवेट या मान लो सरकारी, अब उनके पास हर एक महीने का जानकारी आ पाए कि उनका वेतन आ रहा है कि नहीं आ रहा, उनको ऑफिस में जाने का, दफ्तर में जाने का जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद अपने फोन में आप देख सकते हैं अपना पेमेंट वगैरह हर एक महीने का। अच्छा, उस एप्लीकेशन का नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है मेरा वेतन, याद रखिएगा यहां पर नाम दिया गया है। और जो ये दिखाई दे रही कौन है, ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे एडिडास इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है? अब ये कौन सा कंपनी है भैया, सभी को पता है, जूता वगैरह आता है ना एडिडास का, उसी की बात कर रहा है। और ये फोटो में कौन है, किनको बनाया गया है? तो मानसू चिल्लर को, ये मिस वर्ल्ड भी रह चुकी है, बहुत चर्चा में रही थी 2017 में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, AFC महिला एशियन कप फाइनल, अब ये कौन सा गेम है जिसका 2022 का जो फाइनल मैच है ना वो इंडिया में होगा, कहां पर होगा, भारत में होगा। अब ये महिलाओं का जो फुटबॉल कप है ना उसकी बात कर रहा है, फुटबॉल की बात कर रहा है, महिलाओं का एशिया कप का जो होता है ना फुटबॉल, उसका 2022 का जो फाइनल होने वाला है उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 192 आदिवासी गांव को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य क्षेत्रों के आदिवासी इलाकों में खाद्य वन
परियोजना लागू कर रहा है और ये कर रहा है आपका केरल, ऑप्शन नंबर डी। केरला के जितने भी आदिवासी इलाका है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास, तो पलक्कड डिस्ट्रिक्ट के पास, बहुत पॉपुलर नेम है, बहुत पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है केरला का। वहां के अगल बगल जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, उनको जो है वो खाद्य सुरक्षा दी जाएगी केरल के राज्य सरकार के द्वारा। और केरला के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कैपिटल आपका तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या और ब्रात हत्या की जांच के लिए संपन्न अभियान शुरू कर रहा है। ये अभियान, ये कैंपन शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, आपने देखा होगा बहुत सारे पुलिस वाले क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं प्रेशर में आकर, ऊपर वाले ऑफिसर के दबाव में, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो उनकी पूरा पता लगाया जा सकेगा किस अभियान के तहत, तो संपन्न अभियान के तहत। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, अनसुईया उइके, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और राजधानी क्या है, तो वो है आपका रायपुर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2020 में सूर्य ग्रहण कब होगा, 21 जून को, और इसका पूरा का पूरा प्रभाव जो है वो हमारे इंडिया में भी देखने को मिलेगा, वो भी बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिन्होंने 2020 में अपनी 75वीं जो साल है ना वो पूरा किया है, आपको बताना है। तो 1945 में, कब, 1945 में गठन हुआ था आपका, किसका, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। इस 2020 में उसने पूरा किया है 75वां साल। हेड कौन है यूनाइटेड नेशन का, अभी वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो न्यूयॉर्क सिटी में है, जो अमेरिका में पड़ता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर कोरिया ने किस राष्ट्र के साथ अपनी हॉटलाइन काट दी है। यहां पर तो बहुत चर्चा आ रहा है, उसका जितना भी पॉलिटिकल कनेक्शन है ना, जो भी है, सब खत्म करने वाला है नॉर्थ कोरिया। किसके साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगर यहां पर बात करूं, दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है, साउथ कोरियन ओन इस्तेमाल करते हैं मुद्रा के रूप में। राजधानी सियोल है और राष्ट्रपति कौन है, मून जे इन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस राष्ट्र से 1/4 अमेरिकी सैनिक की वापसी का आदेश दिया है, यानी ट्रूप्स बोलते हैं, तो जर्मनी से वापस बुला लिया गया है 9,000 के लगभग सैनिक को जर्मनी से। कैपिटल अमेरिका के बारे में तो सभी को पता है, राजधानी क्या है आपका, वाशिंगटन डीसी है। अगर बात करूं वहां का मुद्रा क्या है, तो डॉलर, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी का कैपिटल क्या है, बर्लिन। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं जर्मनी में, यूरो। और राष्ट्रपति कौन है, फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने, किन दो देशों ने समुद्री सीमाओं पर एक समझौते पर साइन किया है। ये साइन क्यों किया गया है, क्योंकि ना देखो, पहले आप आंसर सुन लो, आंसर जो है वो है आपका ग्रीस और इटली, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आप फोटो में देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, ये क्या है, ये ग्रीस है, ये क्या है आपका, ये इटली है, ठीक है। लेकिन जो बीच में जो ये है ना, जो समुद्री है, इस पर डील साइन हुआ है। इसके अगर मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊं तो ये क्या है, ये आपका इटली है, ठीक, ये आपका क्या है, ग्रीस है, ठीक। अब ये जो बीच में आपको ब्लू रंग दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, यह आपका क्या है, यह आपका समुद्री सीमा है दोनों देशों के बीच में। इनके बीच में, दोनों देश के बीच में जो है एक समझौता हुआ है। आप सभी को पता है समुद्र वगैरह से बहुत नेचुरल रिसोर्स निकलता है, बहुत कुछ निकलता है। तो अब ये दोनों जो है ना डील साइन की है, अब इन दोनों को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो किस दो देशों के बीच में साइन हुआ है, तो ग्रीस और इटली। और आज का आप सभी का पहला प्रश्न भी यहीं से निकल कर आ रहा है कि इटली के प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है, वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, करेंसी, ये बताना है, और इटली का राजधानी क्या है। यह तीन चीज आपको इटली के बारे में कमेंट कर बताना है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित राज्यों में से किसने
30 जून 2020 तक लॉकडाउन प्रतिबंध में विस्तार की घोषणा की है, तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। राजधानी कलकत्ता। और राज्यपाल कौन है? तो जगदीप धनखड़, ऑप्शन ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा विनिमय मंच शुरू किया है? अब इसको थोड़ा सा आप समझ लेना, यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है आपका आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अब यह क्या है भैया ऑनलाइन? देखो राज्य में अलग अलग जगह पर क्या होता है, बहुत जगह देखे होंगे कचरा वगैरह फेंका जाता है। अब छोटे छोटे जगह पर नहीं, बहुत सारे जगह पर, जैसे आप देखे होंगे बहुत बड़े बड़े जगह में कचरा का ढेर लगता होगा, तो अब उसकी पूरी जानकारी वहां के निवासी ऑनलाइन दे सकते हैं, ताकि जो सफाई कर्मचारी है वो आकर साफ कर सके और उस कचरा को उठा सके। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव बोल सकते हो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ताकि जितने भी कचरा जमते हैं आपको पता है उससे कितनी बीमारी फैलती है, तो वो जो है वो साफ हो सके। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया है, कौन है? जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल की बात करें तो हरीश चंद्र, आपको पता है ना। और अगर बात करूं मैं आपको यहां की राजधानी, तो अमरावती यहां की राजधानी है, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 12 जून का, और शाम को 6 बजे कल भी क्लास चला था, आज भी क्लास चलेगा, और शाम को 6 बजे आपका रेगुलर मैथ क्लास चलेगा, और रात को अभी मैं टारगेट लेकर चल रहा हूं कि 3 क्लास आपका कंपलसरी चले, एक भी दिन मिस ना हो, ठीक है। बस संडे को 11:30 बजे वाला रात का और शाम को 6 बजे वाला क्लास नहीं होगा, बाकी हर एक दिन आपका क्लास चलेगा। तो शाम को 6 बजे मैथ और रात को 11:30 बजे आप सभी को पता है क्या चलता है, तो करेंट अफेयर का क्लास, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। और इसका पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जो है सक्सेस की 98, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इस क्लास के पूरे PDF का लिंक दिया गया है, तो आप लोग एक क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं वो PDF, ठीक है ना।